आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। जहरीली शराब मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े दो और आरोपी, मुख्य आरोपी को भेजा जेल। सनावत, पुलिस द्वारा जहरीली शराब कांड का खुलासा करने के बाद लगातार इसमें कड़ी से कड़ी जोड़कर अन्य अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। वहीं मुख्य आरोपी को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। साथ ही उसके संपर्क में आए दो आरोपियों का पुलिस ने 3 दिन का पीआर मांगा, जिसमें उसने पूछताछ कर अन्य कड़ियां मिलाकर मामले में अन्य बातों का खुलासा किया। एसआई श्याम सिंह भादले ने बताया कि जहरीली शराब के मामले में मुख्य आरोपी कालिका प्रसाद के संपर्क में आए दो आरोपियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। ये दोनों होलोग्राम और ढक्कन उपलब्ध करवाते थे। वहीं मामले में जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश सरगर्मी से जारी है। वहीं पुलिस द्वारा कालका प्रसाद से पिछले 6 दिनों में अवैध जहरीली शराब से जुड़ी हुई जानकारियां जुटाकर इंदौर से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें एक है संतोष राय और दूसरा बलदेव कुशवा। बलदेव कुशवा संतोष राय को ढक्कन और होलोग्राम उपलब्ध करवाता था। वहीं होलोग्राम संतोष कालका प्रसाद से लेकर नकली शराब बनाने में उपयोग करता था। गुरुवार को इन आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कालका प्रसाद को जेल भेज दिया गया। वहीं संतोष और बलदेव का पुलिस रिमांड लेकर उनसे इस मामले में जुड़े तारों का पता लगाकर उन्हें भी हिरासत में लेने का प्रयास कर रहे हैं। 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने जहरीली शराब के मामले में अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की, जिसमें मुख्य आरोपी कालिका प्रसाद, उसके 2 एजेंट लक्की जायसवाल और रोहित प्रजापत, जो पहले से ही जेल में है। वहीं गुरुवार को कालिका प्रसाद जेल जाने के बाद इस मामले में मुख्य रूप से जब बलदेव और संतोष पर पुलिस की कार्रवाई टिकी हुई है, जिनके बयान और निशानदेही के आधार पर अवैध शराब से जुड़े मामलों में और खुलासे हो सकेंगे। वहीं पुलिस अभी स्प्रिट लेवल और अन्य चीजें कहां से उपलब्ध होती है, इस बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। वहीं जिस तरह पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब के मामले में कार्रवाई की जा रही है, उससे लगता है कि एक बड़ा गिरोह क्षेत्र में अवैध एवं जहरीली शराब का निर्माण कर रहा था। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। सर, ये जहरीली शराब कांड जो हुआ था, जिसके अंदर ढकलगांव में 2 युवक मर चुके थे, उसको लेकर 3 आरोपी पहले अपन ने गिरफ्तार किए थे, इसके अंदर और आरोपी बढ़े हैं क्या, और किस तरीके से हमने न्यायालय पेश किया और कहाँ चल रहा है? ये जहरीली शराब कांड में अभी आज 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एक का नाम है संतोष राय और दूसरा है बलदेव कुशवाहा। ये दोनों इंदौर तरफ के हैं। इनको आज गिरफ्तार किया है। इनका 3 दिन का पीआर लिया गया है। अभी पूछताछ जारी है। अभी मालूम पड़ेगा और क्या क्या सामान जब्त करना है। अभी इसके अंदर जो मुख्य आरोपी था कालका प्रसाद, उसका भी आज आखिरी पीआर था, उसके लिए न्यायालय ने क्या आदेश किया? कालका प्रसाद को अभी जेल वारंट मिला है, उसको जीआर भर के भेजा गया था। अभी काटकोट जेल में बंद है वो। ये दोनों को जो नए आरोपी आए हैं, उनको कितने दिन का रिमांड मिला है? इनका सोमवार तक का रिमांड प्राप्त हुआ है। पूछताछ जारी है। और कुछ नए लोगों के नाम आने इसमें उम्मीद है कि और कुछ नया खुलासा होगा? अभी चल रहा है, पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही बता पाएंगे। ये आरोपियों की जो जमीन और ये संपत्ति है, उसको लेकर भी कुछ राजस्व विभाग खंगाला खंगुली कर रहा है क्या? तहसील में पत्र भेजा गया इसके संबंध में, उसकी संपत्ति की जानकारी ली जा रही है।